हेलो राम, हिमाचली फैमिली कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। मैं आ गया हूँ नालागढ़ में और अपने रूम में हूँ। आज मैं एक स्पेशल सब्जी बनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे चूड़ू बड़का जी ने दी है, मतलब चूड़ू भाई ने दी है, जिनके घर में जुड़ोलन था, फंक्शन था पिछले दिन। मैंने आपको वीडियो डाल दी है फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा, गाँव में फंक्शन था तो वहाँ से मैंने उनसे जो है ये सब्जी मांगी और उन्होंने दे दी, क्योंकि उनके पास कहीं से आई थी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि ये सब्जी कौन सी है। मैंने बताया भी था उस वीडियो में कि मैं आगे चल के बताऊँगा कि कौन सी सब्जी है। ये सब्जी जो है जंगल में पाई जाती है, तो चलिए आपको बताता हूँ। इस सब्जी का नाम है लिंगड़। लिंगड़ भाजी बोलते हैं हम, भाजी को सब्जी बोलते हैं और ये लिंगड़ की सब्जी है। ये सब्जी जो है इस तरह से इसकी टहनियाँ होती है। अब तो ये थोड़ी थोड़ी सूखने लग गई है क्योंकि ये परसों की निकाली थी, लेकिन सूख भी जाए थोड़ी थोड़ी तब भी स्वाद होती है। बहुत बढ़िया सब्जी होती है, ये जंगल में पाई जाती है और अब तो निचले निचले एरिया में ख़त्म हो गई है। ऊपर ऊपर एरिया में ये है क्योंकि निचले एरिया में ख़त्म होती जाती है, फिर बरसात आएगी तब ये दोबारा से लगेगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की ये सब्जी होती है। कुछ पत्ते इसके ऐसे भी होते हैं, ये थोड़े सूख गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो लिंगड़ है इसके बाल होते हैं। दो तरीके हैं, या तो इसके बाल ऐसे ही निकाल दो, या तो फिर पानी में भिगो इसको और फिर इसको साफ़ करो, तब इसके बाल जो है जल्दी निकल जाते हैं। ये देखिए ऐसे, और कुछ मैंने साफ़ भी कर दिए, ये देखिए। तो इनको साफ़ कर लेते हैं, फिर इसकी सब्जी बनाते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स, चलिए तड़का लगा देते हैं। बेसिकली मैं आपको इसको बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, वीडियो का पर्पज़ है ऐसे ही बस आपसे बातें करना है, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई स्पेशल सब्जी है। ये स्पेशल सब्जी मेरे लिए इसलिए है क्योंकि जब हम घर में होते थे तो इसको परमानेंट खाते थे और इसको खा खा के थक चुके थे, लेकिन अब जब घर से बाहर हैं तो हमें मतलब ये अच्छी लगती है और ज़्यादा। तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चीज़ आपके पास ज़्यादा अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है तब तक तेल को गर्म होना देते हैं, और अगर आपके पास जो चीज़ कम अवेलेबल हो उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। जब हम घर में होते हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर इसको रोज़ खाएंगे तो 2-3 दिन के बाद तो ऐसा लगता है कि अब नहीं खा पाएंगे, लेकिन अब घर के बाहर है, कभी कभार खाने को मिलती है तो बहुत स्वाद लगती है, यानी कभी कभार खाने में बहुत स्वाद लगती है। अगर डेली पहले इसको खाते थे, जैसे बचपन में भी सब्जियां उस टाइम कम होती थी, दुकानों में भी कम आती थी, दुकानें कम थी, तो घर के नज़दीक जैसे फाफड़ा हो गया, लिंगड़ हो गई, और भी बहुत सारी सब्जियां होती थी, चिमटू घास जो कि अब तो लोग खाते नहीं है, कोरोना के टाइम मैंने उसके परांठे बनाए और हमने बहुत खाए, जिनको हम सोसड़ू बोलते हैं अपनी बोली में, तो बहुत स्वाद होते हैं और ये बिना खाद की चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है। बस ऐसे ही मैंने बोला ब्लॉग भी बना लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि एक सब्जी के बारे में आपको बताऊंगा, तो चलिए हम ब्लॉग भी बना रहे हैं, साथ में तड़का भी लगाते हैं, बातें भी करते रहते हैं। तो धनिया वनिया डाल देते हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये तेल कुछ ज़्यादा गर्म हो गया है वीडियो बनाते बनाते, इसलिए गैस को कर देते हैं सिम। मेरे को लगता है कि जल्दी जल्दी ये जल जाएगा मेरा तड़का। मसाले डाल देते हैं फटाफट से। तड़का इसमें सिंपल ही लगता है, कोई ज़्यादा बड़ा तड़का नहीं। मसाले डाल दें जो आपके मिक्स मसाला है, और धनिया डाल दें, और ये मिर्च पाउडर है, और ये मिर्च है, थोड़ा सा मैंने मिर्च पाउडर डाला और थोड़ी सी मिर्च डाली और प्याज डाल दिया। बस सिंपल सा तड़का है। और कुछ लोग बोल रहे थे मैंने मटर पनीर का फोटो डाला था कि हल्दी नहीं लगी है उसमें, ये भाई घर की हल्दी है, घर की हल्दी लगी लगती नहीं है। वैसे इसमें हल्दी डलती नहीं है, जैसे कि सरसों में हल्दी नहीं डलती है, इसमें भी हल्दी नहीं डलती है, बट मैंने डाल दी, चलो कुछ नहीं है, आप डालो चाहे ना डालो एक ही बात है। तो चलिए तड़का लगाते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। अब गैस को कर देते हैं थोड़ा और ज़्यादा,
यहाँ पर मैंने अभी सफाई नहीं की हुई है, आनन फानन में घर को निकल गया था और आनन फानन में आ भी गया हूँ, अब सफाई के लिए टाइम नहीं मिला। अभी करते हैं, संडे को करते हैं सफाई ढंग से। थोड़ी बहुत सफाई सुबह शाम होती रहेगी, थोड़ी थोड़ी गैस खराब हो गई है इधर उधर से माड़ी मोटी, इसको साफ कर देंगे कल तक। तो ये जो लिंगड़ की सब्जी है बिना खाद की सब्जी होती है, जंगल में पाई जाती है और इसको निकालने के लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा करना पड़ती है। अभी मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने बुरास के फूल लाए हैं, एक एक पेड़ पे जा कर के मुझे कुछ कुछ फूल मिले, मतलब अब बुरास के फूल ख़त्म होने वाले हैं, सीजन ख़त्म होने वाला है, तो मुझे बहुत मुशक्कत करना पड़ी। वैसे ही सब्जी के लिए भी एक एक टहनी के लिए मुशक्कत करना पड़ती है, एक जगह पर 3 या 4 टहनियाँ मिलती है, उसके बाद आगे जाना पड़ता है बहुत दूर दूर तक। अगर आप इसको बाज़ार से ख़रीदते होंगे तो आप खुद सोच लो, जिसने निकाल के लगा लाई है उसके लिए बहुत मेहनत का काम है। और कईयों को इजीली भी मिल जाती है, कुछ लोगों के घर के इर्द गिर्द ये बहुत ज़्यादा होती है तो उनको इजीली मिल जाती है, उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जिनके घर के आस पास नहीं होती है उनको दूर दूर जा के भी लाना पड़ती है, ऐसा इसका सिस्टम है। अगर आपने ट्राई नहीं की है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें आप कहाँ से हैं, और अगर आपने ट्राई की है तब भी कमेंट कर दें, कमेंट में कुछ ना कुछ लिख दें, मैं आपके कमेंट करता ही रहता हूँ। कमेंट में सबके पढ़ता रहता हूँ लगभग, ऐसा ना सोचे कि कमेंट नहीं करता। अब इसमें नमक डाल देते हैं और सबसे मेन बात है कि इसमें पानी नहीं लगाना होता है, अगर पानी लगाने की ज़रूरत पड़ी तो हल्का सा पानी इसमें डालना है और इसको धीमी आंच में पकाना है। अगर आप पानी ना ही डालें तो अच्छा है, लेकिन 2-3 दिन हो गए इसको निकाले हुए तो पानी इसमें थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा हल्का सा। अगर ताज़ी ताज़ी लाई हो फिर पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, धीमी आंच में इसको पकाते जाएँ। और ये देखिए इसमें भी पानी होता है बहुत सारा, ये खुद के पानी से पक जाती है। फिलहाल मैं इसमें पानी नहीं डालूँगा क्योंकि इसमें पानी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो पानी का थोड़ा सा छिड़काव करना है बस, नहीं तो इसका स्वाद ख़त्म हो जाता है। थोड़ी सी ये इस तरह की होती है कि अगर पानी डाल दिया तो फिर इसका स्वाद पूरा ही ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसमें खुद पानी होता है, ये है इसका। चलिए इसको पकना देते हैं और आटा गूंथ के फिर रोटी बना लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं, थोड़ी सी और बातें करेंगे फिर ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। वैसे एक बात बोलना भूल गया, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मैं घर में गया था तो जैकेट लगानी पड़ी थी और यहाँ पर मुझे पसीने पड़ रहे हैं और रूम में भी पंखा लगाया हुआ है हल्का हल्का, वैसे तो यहाँ पर भी थोड़ी ठंडी हवा चलनी पड़ती है रात को, लेकिन गर्मी तो दिन में तो बहुत गर्मी है, बाहर धूप में निकला नहीं जा रहा है, 34 डिग्री तापमान यहाँ का हो गया है दिन में। तो चलिए मिलते हैं, सब्जी को पकना देते हैं, रोटी भी बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। इसमें मैंने हल्का सा पानी का छिड़काव किया और अब ये पक के तैयार हो गई है, अगर हल्की सी लग भी जाए मतलब माड़ी मोटी जल भी जाए तो ये बहुत स्वाद होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं जलानी है। दोस्तों रोटी भी बन के तैयार हो गई है, रोटी पर ज़्यादा ध्यान ना दें, मेरी रोटी ज़्यादा गोल नहीं होती है। इस जो सब्जी को है वैसे खट्टे के साथ खाया जाए तो अच्छा रहता है, खट्टे में आपको या तो नींबू लेना है या फिर आप कोई भी खट्टी चटनी ले सकते हैं या फिर बुरास की चटनी इसके लिए सबसे बेटर रहती है, उसके साथ जो जंगली अनारदाना होता है उसकी जो चटनी बनती है वो बहुत अच्छी रहती है बुरास की चटनी के साथ, तो उसमें पुदीना भी ऐड कर लें और बढ़िया चटनी के साथ इसको खाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग मैंने ऐसे ही बना दिया, चलो भैया आपके साथ कुछ बातें करते हैं, ठीक है जी। कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।